राजस्थान की राजनीति सांप सीढ़ी के खेल की तरह हो गई है। जैसे ही पासे अच्छे आते हैं और गोटी भागने लगती है, तभी ऐसा कुछ हो जाता है कि गोटी वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है जहां से खेल शुरू हुआ था। अभी जैसे तैसे गहलोत सरकार अपने पिछले मुद्दों से मुक्त होकर चुनावों की तैयारी में लगी, इतने में ही शंभू शर्मा हत्याकांड वाला मुद्दा गरमा गया। अभी 6-7 दिनों से पुजारी शंभू शर्मा की हत्या के मामले ने तूल पकड़ रखा है और इस पूरे प्रकरण में घुमाव तब आया जब पुलिस शव के अंतिम संस्कार के लिए धरना दे रहे लोगों पर लाठीचार्ज करके जैसे तैसे शव तक पहुंची तो पाया कि ताबूत तो खाली है, इसमें तो सिर्फ बर्फ की सीलियां हैं और शव तो मुख्यमंत्री आवास के सामने आ गया है। ये बात किसी को हजम नहीं हुई कि इतना बड़ा कारनामा हुआ कैसे। जिस शव के पीछे महुआ में इतना हंगामा हो रहा है, वो शव जयपुर कैसे पहुंचा? नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजनीति अगर हर किसी के समझ आ जाए तो फिर वो राजनीति ही क्या। 7 दिन बीत जाने के बाद भी शव का अभी भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है क्योंकि अभी शव पर सियासत जारी है। आज से करीब 6 दिन पहले महुआ में जमीन विवाद को लेकर एक पुजारी शंभू शर्मा की हत्या कर दी जाती है। हत्या के पीछे का कारण बताया जा रहा है जबरन रजिस्ट्री करवाना और मारपीट। फिर जैसे ही मामला जनता के सामने आया तो इस मामले ने जंगल के आग की तरह तूल पकड़ लिया और लोग शव के साथ धरने पर उतर आए और उस धरने की अगुवाही की डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। महुआ थाने के सामने हो रहे धरने का विकराल रूप देखते हुए पुलिस को मिले आदेशों के अनुसार पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिससे मामला और गर्म हो गया। अब शंभू शर्मा के शव के साथ लाठीचार्ज का मुद्दा भी गर्मा गया। महुआ पुलिस को आदेश मिले कि भीड़ को हटाकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। जैसे तैसे करके पुलिस शव तक तो पहुंची, पर जब ताबूत खोलकर देखा तो पता चला कि शव तो जयपुर जा चुका है और अब धरना राज्य के मुखिया के निवास पर हो रहा है। इस पूरे प्रकरण को देखकर और सुनकर लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। साथ ही ये पुलिस महकमे के लिए एक बहुत शर्म की बात थी कि कैसे भीड़ पुलिस की आंखों के सामने से शव को गायब करके ले गई। अब इस बात पर अगर गौर किया जाए तो इसके पीछे कोई सियासत के अलावा और कुछ नहीं है। दौसा जिले के महुआ में पुजारी की मौत के 7 दिन बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। पिछले 2 दिनों से जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर शव को लकड़ी के एक ताबूत में रखकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके पहले 5 दिनों तक महुआ में पुलिस थाने के पास शव को रखकर धरना दिया जा रहा था। इस मुद्दे पर भाजपा ने राजस्थान में गहलोत सरकार को घेर लिया है। शव को लेकर आंदोलन कर रही बीजेपी के राज्य में मंदिर माफी की जमीनों से अतिक्रमण हटाने और पुजारियों की सुरक्षा की मांग कर रही है। इस पूरे मामले में सिर्फ बीजेपी नहीं, विप्र फाउंडेशन समेत कई ब्राह्मण संगठनों के इस आंदोलन में कूदने से राजस्थान की कांग्रेस सरकार की चिंता बढ़ने लगी है। दरअसल ये मसला कांग्रेस के लिए गले की फांस इसलिए बन रहा है क्योंकि राजस्थान में जिन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां विप्र वोटरों का प्रभाव है। विधानसभा क्षेत्र राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। राजस्थान में रियासत काल से ही मंदिरों के नाम, जमीन से लेकर संपत्ति दान की परंपरा रही है। ये जमीन भगवान यानी जिस देवता का मंदिर है उसके नाम रहती है। इसे मूर्ति या मंदिर माफिया की जमीन कहते हैं। भगवान को नाबालिग माना गया है, इस वजह से नाबालिग के संरक्षक के नाते इन जमीनों का हक पुजारियों के पास होता है। मंदिर माफिया की इन जमीनों की देखरेख और उपयोग मंदिरों के महंत और पुजारी करते आए हैं। इस पूरे प्रकरण पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ पुजारी शंभू शर्मा की मौत पर इंसाफ का नहीं है। सरकार से मांग है कि मंदिर माफिया की जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए कानून बनाए, तय सीमा में अतिक्रमण को हटाए। चूंकि राजस्थान में पहले भी पुजारियों पर हमले हुए हैं और हत्या के भी कई मामले सामने आए हैं, ऐसे में शंभू शर्मा की हत्या के मामले ने सरकार के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया है कि कब तक भूमाफिया ऐसे ही अपने लालच के लिए अपराध करते रहेंगे। और अब जब इस पूरे मामले से राजनीतिक पार्टियां भी जुड़ गई हैं तो ये मामला जल्द शांत होते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री निवास के सामने किरोड़ीलाल मीणा, अरुण चतुर्वेदी, सांसद रामचरण बोहरा समेत कई बड़े नाम जुड़ चुके हैं। तो ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। द परफेक्ट प्लेस फॉर यू टू स्टार्ट योर बिटकॉइन माइनिंग एम्पायर।
finding it difficult to get a better job, or are you struggling with your finances? Dear spectators, as you all know, is today a very important day. ये है रिया जो बन गई है मोजो स्टार के कारण इंटरनेट की सुपरस्टार। भयंकर सिंगल गर्ल्स और बॉयज के लिए मैं लेके आई हूँ ये स्कूल ऑफ डेटिंग का रियलिटी शो। हेलो, मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। वेलकम टू रीगल टूर्स, दुबई's ट्रस्टेड नंबर वन ट्रैवल एजेंसी। Today in this video, we will explain how to enroll your college in Asia's biggest national championship. चलो बच्चों को बचपन याद दिलाएं, इन तकनीकों से थोड़ा दूर ले जाएं। Breaking news alert! On the mic with Mike is the best business radio talk show in RBA.